खेती कर रहे हैं? अब इस समय मटर की खेती कर रहे हैं। क्या फायदा है? मटर की खेती में ये फायदा है कि मटर जो है 2 महीने में तैयार हो जाती है, कम लागत लगती है और 2 महीने में जो है पैसा भी आने लगता। आलू? और आलू में पक्की फसल करने में 4 महीने के आलू, उसको रख रखाव दवा भी उसमें ज्यादा लगती है, और फिर खोद के कोल्ड में रखो, कोल्ड में पता नहीं भाव मिलता मिलता नहीं मिलता, कभी कभी ऐसा होता है कि भाड़ा भी अपने तीर से जमा करना पड़ता है कोल्ड भाड़ा। तो आलू तो फसल को छोड़कर इसमें अब हाँ मटर की खेती कर रहे हैं। क्या सोचा था आपने पहले आलू बंद करते हुए? आलू की फसल करते थे, आलू तो नुकसान हो रहा था, फिर ये मटर की खेती समझ में आई तो मटर की करने लगे। इसके साथ भी कोई और फसल? हाँ मटर के साथ में गेहूं जो है, गेहूं भी हो जाता है, गेहूं बढ़िया पैदावार कितनी होती आय है। हो जाती है? हाँ ऐसी है, करीबन 5,000 रुपये बीघा के, दो दोगुनी? दोगुनी तो हो जाती है। दरअसल कैश क्रॉप किसानों को तुरंत नकदी देती है, और चाहे आलू हुआ चाहे मटर हुआ, ये दोनों फसलें जो हैं वो कैश क्रॉप है। लेकिन आलू में ज़्यादा समय लगेगा, और वो मटर की अगर खेती कर रहा है किसान और उसके बाद गेहूं बो दे रहा है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही साथ एक बात और होगी उसके साथ कि मटर की जो फसल है वो दलहनी फसल है, और उसके बाद बिना दाल वाली फसल गेहूं की फसल लेगा। दलहनी फसलें जो हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी में देती हैं, तो उसे एक फायदा और होगा कि उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़िया होगा और गेहूं की फसल को कम नाइट्रोजन भी देना पड़ेगा।